नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी का और साथ साथ में संस्कृत वाले बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़ें और अपने नोटबुक के अंदर उतारें। हिंदी और संस्कृत दोनों के बच्चे उस हमारे संडे का जो टॉपिक है उसको पूरा करें। इसको हम आज पूरा करेंगे संडे के टॉपिक को। तो संडे के टॉपिक में क्या क्या है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे इसको, संस्कृत वाले बच्चे भी ध्यान से पढ़ेंगे दोनों बच्चों के लिए और ऑल क्लासेस के लिए ये टॉपिक। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है, संधि क्या है, इसके बारे में आपने क्लासेस में पढ़ा होगा लेकिन दोबारा से फिर करवा रहे हैं इनको हम। तो आपने इस टॉपिक को कैसे कवर करना है, तो हमारा टॉपिक है संधि। अब संधि की जो परिभाषा है वो क्या है, सभी को पता होगा आपको संधि की परिभाषा। तो क्या क्या है, दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो क्या कहा है, दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल, किसको, वर्णों के मेल। अब ये कहा वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल, दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल, ये ध्यान रखना है। आपने परिभाषा पूछ लेते हैं तो आपने ध्यान रखना है वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहा है, वर्ण प्लस वर्ण, जो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और इन मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है इनको क्या कहते हैं, हम संधि करते हैं। बहुत से बच्चे इसमें यह मार खा लेते हैं कि यहाँ वर्णों की जगह दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों की जगह क्या करते हैं, शब्द कर देते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, दो अत्यंत समीपवर्ती शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ये जरूरी है आपको वर्णों के मेल को लिखना, क्या लिखना है, वर्णों में। अगर शब्द कर दिया हमने तो शब्द कर देंगे तो हमारे क्या गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो गया, कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये ध्यान रखना है, तो वर्ण के बाद अगर वर्ण आ जाए तो हमारी क्या होगी, संधि होती है, और शब्द के बाद शब्द आ जाए तो क्या होता है, समास होता है। तो ये आपने नोट रखना है, ध्यान रखना है, दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या करना है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, विता प्लस आले, क्या लिखा है, विता प्लस आले, तो विताले, क्या लिखा हमने, विद्या प्लस आले। अब बाइक समझिए इसको क्या है, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। अब यहां पर देखिएगा दो वर्ण आ रहे हैं, यहां पर देखिए विद्या, यहां पर क्या है, आ, क्या है, आ, और यहां पर देखिए क्या है, आ। अब ये आ और ये आ, दोनों को मिलने से जो विकार होगा उसको क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। दोनों मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों को मिल करके आ हो जाएगा। आगे समझाएंगे आप जो संधि करेंगे तब कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर मैंने बारी को खाया, देखिए अब विद्यालय जो हमारा लिखा है, विद्यालय, विद्यालय में वह अनंत है, ई, अब ई की मात्रा लगी है, ये ई कौन सी, छोटी ई है, ठीक है, वह क्या ई की मात्रा लगी। फिर द आधा है और यह, द और यह दोनों क्या है, आधे अनंत लगना, अनंत लगने आपको क्या होता है, आधे। नीचे जो अनंत लगता है ये क्या होता है, आधे हो जाते हैं। तो तय और ये, तय और ये, अब तय प्लस ये, ये दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, तय बनाते, ये बनाते, ठीक है, तय और इनका आ की मात्रा लगे, किसके लिए, आ की मात्रा, तो ये क्या आ गया, धा। तो यहां तक आ गया। फिर अब देखिए यहां पर ये धारण क्या, ये आ और आ ल, अब ये आ और फिर ल आधा फिर ए, फिर यह आधा फिर ए, ये हो गया। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ, दो आ है, दोनों को आ रहा है, एक आ हो जाएगा दोनों का, तो क्या बन जाएगा हमारा, विद्यालय बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं संधि के प्रकार, ये संधि के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार है संधि के, संधि के प्रकार है तीन, कितने हैं, तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब तीनों की परिभाषा, इसी प्रकार संधि की जो परिभाषा की है उसी प्रकार से हमने तीनों की परिभाषा भी करनी है।
एग्जाम में पूछ लेते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, या फिर विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम तीनों करेंगे। देखिए स्वर संधि की परिभाषा, अब क्या कहा है, एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर, एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने, माने स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए। इन दोनों स्वरों के मिलने से जो विकार होगा, दोनों के मिल स्वरों के मिलने से क्या होगा, विकार होगा, उसको क्या कहते हैं हम, स्वर संधि, क्या कहते हैं उसको, स्वर संधि। स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, फोटो आ जाए, स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे हम, स्वर संधि कहेंगे। स्वर, स्वर हमारे पता आपने 11 है, और 11 स्वर हैं वो आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे हम, स्वर संधि कहेंगे। देखिएगा जैसे मत प्लस अनुस्वार, एग्जाम्पल दिया मत प्लस अनुस्वार, देखिएगा मैं तय, अभी तय है यहाँ पर, इस तय में क्या है, ए, देखिए मैं प्लस ए प्लस तय प्लस ए, तो यहाँ पर तय है इसमें क्या है, ए, ठीक है। अब प्लस का निशान आ गया, अब ए आ गया, आ गया ए, अब अनुसार, अब न प्लस ऊ प्लस न प्लस ऊ प्लस स प्लस आ प्लस र प्लस ए, ठीक है। अब देखिए ये ए और ये ए, दोनों ये ए और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आ, दोनों ए ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। आगे हम करेंगे जो हमारे संधि करेंगे आप एक प्रकार से होता है, कौन से संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों मिलकर ये स्वर स्वर आपस में मिले, यहाँ पर क्या मिले, स्वर स्वर आपस में मिले हैं, तो इसलिए किसका उदाहरण है, स्वर संधि का, इसका उदाहरण है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। सेकंड हमारा है व्यंजन संधि, सेकंड क्या है हमारा, व्यंजन संधि, तो सेकंड हमारा व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर, अब पहले तो स्वर था, अब क्या गया, व्यंजन, व्यंजन के बाद प्रश्न था के बाद क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए। इससे पहले क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, व्यंजन हो फिर या स्वर, दोनों में से कोई चीज आ सकती है, व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। व्यंजन के बाद व्यंजन या फिर स्वर आने पर इनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब उदाहरण दिया गया है जगत प्लस ना, जगत प्लस ना, यहां पर क्या है, तय, क्या है, अलंक तय, तय क्या है, व्यंजन है, और इसके बाद क्या है, न, क्या है, न, तो न क्या है, व्यंजन, व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन आया है, व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। अभी अगर एग्जाम्पल करेंगे तो हम व्यंजन संधि के, तो जगत प्लस नाथ है, जगन्नाथ, जगन्नाथ कैसे बना ये उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तय का गया किस प्रकार, तय का आघना किस प्रकार से बनता है ये बताएंगे आपको। इस प्रकार अभी इतना ही समझना जरूरी है कि व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर या फिर व्यंजन के बाद स्वर आने पर, ठीक है, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है विसर्ग संधि, क्या आता है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि, अब विसर्ग के बाद, अब विसर्ग क्या होता है, संस्कृत का विसर्ग, ये दो बिंदु होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, विसर्ग बोलते हैं। दो ये दो किसी भी अक्षर के बाहर अगर दो बिंदु होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम विसर्ग बोलते हैं। अब क्या विसर्ग संधि, ही विसर्ग संधि हमारे, देखिए विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद क्या आ जाता है, कोई स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए। अगर इन विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए, तो इस
विसर्ग का और इस और इस व्यंजन का आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, देखिए मन प्लस रथ, मन प्लस रथ की यहाँ पर क्या है विसर्ग आया है, यहाँ पर क्या है रे यानी कोई व्यंजन आया है। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ गया है व्यंजन आ गया है, विसर्ग के बाद क्या आ गया है व्यंजन आ गया है, और इनमें आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा विसर्ग का और व्यंजन का, इस विसर्ग का और इस रे का मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे विसर्ग संधि कहेंगे, क्या कहेंगे उसको विसर्ग संधि कहेंगे। ये थे हमारे तीन प्रकार की संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले संधि की परिभाषा, वे दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। अब संधि के स्वर संधि के भेद, जो ये स्वर संधि हमारी है इसके भेद होते हैं हिंदी के अंदर कितने होते हैं पांच, कितने होते हैं हिंदी में पांच। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं पांच, ठीक है। और कौन कौन से स्वर संधि के पांच भेद कौन कौन से हमारे हैं, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयर्थ संधि। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संस्कृत के जो तीन रहते हैं, संस्कृत में आठ होते हैं, तीन को हम संस्कृत का दो संधि करवाएंगे बाद में अलग से थोड़ी ही उसमें करवाएंगे पूरा इसको। तो हिंदी वाले पांच याद रखिएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पांच हमारे क्या है स्वर संधि के भेद हैं। पांचों की परिभाषा के साथ हम एग्जाम्पल करेंगे, किस प्रकार के एग्जाम्पल, कैसे कैसे एग्जाम्पल, कैसे संधि को हम पूरा करेंगे देखिएगा। अब हमारा आता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या आता है देखिए दीर्घ संधि। अब आपने दो बात और सीखनी है इधर दीर्घ संधि का, पूरे आपने दो चीज और बनाए थे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इन दोनों चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। हर्ष स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं हमारे चार होते हैं, आपके मैंने पासपोर्ट भेज रखी है, स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से, परुक स्वर कौन से हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो हर्ष स्वर कौन से हैं चार, कौन कौन से ए ई ऊ री, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको मूल स्वर भी कहते हैं, ए ई ऊ री, ए ई ऊ री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आ बड़ी बड़ा ऊ और बड़ी री, ये कौन से होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे कितने हैं चार, ये हमारे हर्ष स्वर है, ये हमारे दीर्घ स्वर है। दीर्घ संधि की परिभाषा जानने के लिए दोनों जो याद रखना पड़ेगा आपको, तो हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर ए ई ऊ री, और दीर्घ स्वर आ बड़ी बड़ा ऊ और री बड़ी री, ठीक है। अब देखिए संधि की परिभाषा क्या है, हर्ष या दीर्घ स्वर, हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, अब क्या कहते हैं कि ए ई ऊ री के बाद क्या आ जाए, अब चाहे पहले हो से बाद में, देखिए ए ई ऊ री यहाँ पर आ बड़ी बड़ा ऊ बड़ी री, इनके बाद क्या आ जाए, ये आ जाए या फिर ये आ जाए ए ई ऊ री, ठीक है। हर्ष या दीर्घ स्वर इनके बाद ए ई ऊ री के बाद आ ई ऊ री आ जाए
या फिर इसके बाद अ ई उ री के बाद अ ई उ री आ जाए, या फिर आ ई उ री के बाद अ ई उ री आ जाए, आ ई उ री आ जाए, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ काम समझते हैं? देखिए मैं आपको बारीकी समझाऊंगा। हर्ष या दीर्घ स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, पहले हम ऐसे लेंगे ए, इस ऐसे ए, ठीक है, ए के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, अब ए के बाद क्या आ जाए, आ आ जाए, अब आ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, और आ के बाद क्या आ जाए, आ आ जाए, यहां से ऐसे लेंगे इसे ऐसे, ए के बाद ए आ जाए, ए के बाद आ आ जाए, आ के बाद ए आ जाए, आ के बाद आ आ जाए, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ए के बाद ए आ जाएगी, ए के बाद ए, मत प्रसंग है, सुना एकदम मत प्रस अनुसार, ए के बाद ए आ जाए, ए आया है, यहां पर क्या है, ए आया है, ए के बाद क्या है, ए आया है, तो ए के बाद अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या मैंने मैं ते, अब ते ये ए और ये ए, दोनों ए में क्या है, आ बनाए, तो ते के आपकी मात्रा, अब ये ए क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने इस ए ने और इस ए ने मिलकर क्या बना दिया, आ बना दिया, आ की मात्रा लगी, अब नू सा रे क्या बन जाएगा, मतानुसार। तो ये संधि हमारा उदाहरण किसका हो गया, दीर्घ संधि का होता है, क्या हो गया, दीर्घ संधि का होता है। अब ए के बाद अगर आ आ जाए, ए के बाद अगर आ आ जाए, तो पुस्तक प्लस अन्य, पुस्तक प्लस अन्य, देखिए ये क है, क के अंदर क्या है, ए, और ये क्या है, आ है। अब ये ए और ये आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए पुस ते क, एक का ये ए और ये आ दोनों मिलकर क्या बना रहे, आ, तो आ की मात्रा लग गई, और आगे बढ़ क्या बना रहता है, और ये क्या बन गया, पुस्तकालय, क्या बन गया, पुस्तकालय। अब अगर हमारा आता है आ के बाद अगर ए आ जाए, तो आ के बाद अगर ए आ जाए, तो आ के बाद अगर ए आता है, तो देखिए क्या होता है, कैसे बनता है, यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, देखिए आ के बाद ये क्या है, हमारा आ है, ये क्या है, ए, आ के बाद क्या है, ए आया है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना, ये थे, अब ये देखिए ये आ और ये क्या बनाएंगे, आ, तो ये था, ठीक है, और ये हमारे यहाँ खत्म हो गया, आ बनता है थे, यथार्थ, क्या बन जाएगा, यथार्थ बन जाएगा। अब आ के बाद अगर आ आ जाता है, देखिए अब एक एग्जाम्पल पढ़ा था विद्या प्लस आगे करवा दें, विद्या प्लस आ के बाद क्या है, आ आया है, वही एग्जाम्पल, आ के बाद आ आया है, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो ये हमारा था दीर्घ संधि का ए का होता है इसका। अब ई ऊ री इसका हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आपसे पूरा करवाएंगे, इतना ही कर देना, ज़्यादा हो जाएगा समझ नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है थोड़ा थोड़ा करके इसको हम पूरा करेंगे।